यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से घरेलू हिंसा का एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। यहाँ एक युवक ने फोन बिजी आने के कारण अपनी पत्नी को चारपाई से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी पति ने निर्ममता की सारी हदें पार करते हुए पत्नी की पिटाई करने के बाद महिला को बिजली का करंट भी दे दिया और पूरे मामले का वीडियो भी बना लिया। वहीं पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। दरअसल ये पूरी घटना मीरापुर के थाना गांव मुझेड़ा की है, जहां पीड़ित महिला की शादी करीब 5 साल पहले ग्राम कैथोड़ा निवासी युवक परमान के साथ हुई थी। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक कुछ काम से घर से बाहर गया हुआ था। इसी बीच युवक ने अपनी पत्नी को फोन मिलाया तो वह व्यस्त आया। पत्नी का फोन व्यस्त आने से युवक अपना आपा खो बैठा। पत्नी का आरोप है कि पति ने पहले उसे बियर पिलाई और फिर उसके साथ खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। रात फोन का ऊपर फोन बिजी चल रहा था, बस इतनी बात करते ही फोन कहाँ बिजी चल रहा, मगर उसका फोन आ गया था आकिब का भैया का। हाँ। और सच बता दे मुझे, आकिब का नहीं आया, मगर सच बता रही हूँ, ये जमुना नगर गाड़ी पे था, वहाँ से भाग गया। रात भी नहीं गुजरने देना का, मैं आ रहा। अच्छा, फिर चोट कैसे लगी तुम्हारे? ये आ गई है और आके और मुझे खाट से बांध दी। हाँ। हेलीमेट मारा, फेंक के चिमटा बजाया, बेसुध बजाया। हाँ। खाट से बांध के फिर करंट लगाया, फिर मुंह पे कफ मारा, फेंक के इसमें कच बढ़ गया। अच्छा, किसने मारा तुम्हें? मेरे पति ने। क्या नाम है उनका? परमान। कहाँ के रहने वाले हैं? किथोड़े के रहने वाले हैं। फिर क्या हुआ? फिर सास हैगी थी, मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैं मम्मी बचा लो मुझे, खुलवा दो, वे हाथ छोड़ के मेरा बाहर चली गई है। अच्छा। जेठ है तो उनसे गया मैंने, तो नु कह रहे वो गलती कर रही तो तू ऐसे ही पिटेगी सच। उन्होंने जबरदस्ती मुझे बियर पिलाई, मजाक में कर रहे थे, मैंने कहा क्या कर रहे तुम लोग, मैं बियर पी रहा, मगर मैं भी देखूंगी पीगा, मगर मजाक कर रहे हैं, मुझे क्या पता ये बियर ही लिया होगा, ये बियर ला के उन्होंने मुझे पिला दी। मैंने इनके मम्मी से कहा, मगर ये ऐसे ऐसे बहला है बियर, मगर नुगेरे तुझे भी पिलाऊंगा, तो नुगेरे एक आध घूंट पी लिया, तेरा आदमी जो करा वो ही कर लिया। वही मामले की शिकायत लेकर पीड़िता थाने पहुंची, जहां पीड़िता ने अपने आरोपी पति के विरुद्ध थाने में तहरीर दी है और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है।